ओके, तो मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर दुनिया का सबसे बढ़िया सर्वाइवल शेल्टर। पर क्यों? क्यों? नाइस क्वेश्चन। ओके, तो घर बैठे बैठे मैं लिटरली एडिक्टेड हो चुका था ये देखने के लिए कि लोग प्रिमिटिव शेल्टर्स बनाते कैसे हैं जंगलों में जाके। बस उनको देख के मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं भी एक प्रिमिटिव शेल्टर बनाने वाला हूँ अपने लिए एंड दुनिया को दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं सबसे बढ़िया शेल्टर बना सकता हूँ। मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि मैं बेस्ट शेल्टर बनाने वाला हूँ, बट जंगल में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड काफी बुरा रहा है। लिटरली मैं जितनी बार जंगल गया हूँ मैं बीमार होकर वापस आया हूँ, इसलिए मेरी मम्मी मेरे को बार बार मना कर रही थी, तू जंगल नहीं जाएगा। बस जब जाता है बीमार होके आता है, मैंने बोल दिया नहीं जाना मतलब नहीं जाना। जाने दो मम्मी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे चाहिए बस एक साथी जिसको मैं लेके जाने वाला हूँ बेस्ट शेल्टर एवर बनाने के लिए। तो बस फिर मैंने कॉल करा मोपी को, मैंने कहा चल मेरे भाई आज चले जंगलों में। भाई मम्मी ने तो परमिशन दे दी बेयर ग्रिल्स बनने की और जाके अपना शेल्टर बनाने के लिए, बट भाई जब मैं जंगलों में जाता हूँ मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है भाई धूप से। बट आज नहीं, क्योंकि आज मेरे पास है मामा अर्थ की विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन। भाई ये इतनी प्यारी सनस्क्रीन है, जब मैं इसको यूज करता हूँ ना ये मेरी स्किन के अंदर ग्लाइड हो जाती है भाई। लिटरली कोई हैवीनेस फील नहीं होती, एकदम लाइट है, इसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट है, मजा आ जाता है इसको यूज करके। प्लस इसके अंदर भाई SPF 50 है जो मुझे प्रोटेक्ट करता है सन रेज से। प्लस इसके अंदर है विटामिन सी जिसकी वजह से मेरी स्किन ग्लो बहुत ज्यादा करती है। और इसके बाद इसके अंदर है टर्मरिक जो सनबर्न्स होते हैं उससे हील करते हैं। तो भाई ये तो सबसे बढ़िया चीज है सन प्रोटेक्शन के लिए। और भाई मैं इसको यूज करने वाला हूँ, अपनी स्किन को रिचार्ज करने वाला हूँ। उसके बाद मुझे कोई डर नहीं है भाई, क्योंकि मैं बनाऊंगा दुनिया का सबसे बेस्ट शेल्टर, क्योंकि धूप से तो मुझे ये बचा ही लेगी। और बेस्ट बात पता क्या है, इसके बाद इसको लगाने के बाद कोई व्हाइट पैचेस भी नहीं रहते। नाउ आई एम रेडी, लेट्स गो मोपी, आई एम कमिंग, आ जाओ। तो गाइस फाइनली हम जंगल में आ गए हैं। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम हम करने वाले जो है ये ढूंढना कि हम अपना शेल्टर एक्चुअली में कहाँ बनाने वाले हैं। चलो आ जाओ, यहाँ बना लेते हैं। एक ट्रायंगुलर शेप में लकड़ियां गिरा देंगे, ऐसा टेंट वाली फीलिंग दे देंगे और घर एकदम मस्त बन जाएगा। औकात में यहाँ बनाते हैं भाई, यही बनाते हैं ताकि घर से जैसे ही बाहर निकले तो कांटे कांटे चुभे। बेवकूफ, आजा आजा। तो गाइस बहुत ज्यादा लोकेशन ढूंढ लिया, अब मोपी तू भी मान जा, मेरे को बहुत प्यारा आइडिया है। मैंने सोचा है कि ये जो गड्ढा ऑलरेडी बन रखा है इसी के ऊपर लकड़ियां लगाएंगे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी और अपना घर बना लेंगे, कोई जरूरत नहीं बनेगी खोदने की, एवरीथिंग डन ऑलरेडी। मेहनत नहीं की तो फिर व्यूज तो आएंगे ही नहीं। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट लोकेशन। इस गड्ढे में ही कूद के मर जाऊंगा भाई, इसी को खोद देते हैं। तो आगे खोद लेंगे, क्या दिक्कत है खोदने में तुम्हारा भाई? भाई खोदने के लिए लाया हुआ है, देखो ये मजदूर लाया हूं मैं। भाई ये मेरे को बेस्ट लोकेशन लग रही है इस वक्त, क्योंकि भाई देख ये पेड़ों से भी कवर्ड है, छाएं भी आ जाएगी यहाँ पर, धूप भी लिटल लिटल। अब समय नहीं है, कर देते हैं काम, अप्रूवल दे दो मोपी जी। थोड़ा और देख लेते हैं ना आगे। अबे तू जाके देख, मैं लगा अपना खोदने, तेरे और बस पे चलता रहूंगा ना, बहुत काम है, लकड़ियां ढूंढनी है, काटनी है, बनानी है, कस्सी मार। तो जॉब्स डिवाइड कर लेते हैं ना, मैं लकड़ी ले आता हूँ आप खोद लो। जा लकड़ी ढूंढ क्या तू। पता नहीं भाई कहाँ फंसा दिया। आ, आ। जोर, 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 जोर। भाई तो टूट गया पूरा, अरे काफी बड़ा है, इसमें से काफी लकड़ियां निकल जाएंगी। ये वैसे भी गिरा हुआ पेड़ है तो हम कोई पेड़ नहीं काट रहे हैं, ये पहले से ही टूटा हुआ है। कहीं तुम्हारे को लग रहा हो ये काम आसान है तो सही बता रहा हूँ, बहुत गलत लग रहा है। अभी तो चालू है और सांस फूल जाएगी, आज सारा जिम यही होगा। कस्सा मारना आसान ना है भाई। यहाँ एक मस्त सा पेड़, इसमें से काफी लकड़ी निकल जाएंगी, ये परफेक्ट है, बस इसको काटना पड़ेगा। परफेक्ट, ऐसे सी कम से कम 20 काटनी है। मुझे लगता है मैंने ड्यूटी गलत ले ली, कस्सा मोपी को मारने देता और मैं लकड़ियां काट लेता। समय लगेगा पर हो रहा है।
हो जाएगा। दिक्कत पता क्या है, अपने को आदत हो गई है हॉर्लिक्स बोनविटा पीने की। गांव का दूध पीते होते ना बचपन से ही, तो बहुत ज्यादा जल्दी कर पाते। भाई मैं से तो इतना ही हो पाया, अब अभिषेक भाई के पास जाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि आप लकड़ी तोड़ो, मैं खोदता हूँ या आखिरी तोड़ लेता हूँ। ये सारी बड़ी बड़ी हैं तो इनमें से हम छोटी निकालेंगे तो इसमें से 7-8 लकड़ियाँ निकल जाएंगी एंड आधा काम हो जाएगा, बाकी आधा अभिषेक भाई करेंगे। भाई बड़ी मेहनत है भाई इस काम में, तो पता नहीं क्यों तो आया मैं। भाई जिंदगी में पहली बार पता चला लकड़ी काटना कितना मुश्किल काम है। हालत टाइट होगी भाई। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, कोई भी काम आसान नहीं है। मैं सोच रहा था शेल्टर ही तो बनाना है, इस वीडियो में कौन सा कोई भाग दौड़ होगी, पर भाई वहां पर गड्ढा खोदना, लकड़ियां कलेक्ट करना, हर चीज में मेहनत है। तुम ये सोच रहे हो ना अगर कि तुम भी जाके अब जाके जंगलों में एक नया घर बना लोगे, तो भाई थोड़ा ध्यान से, यहाँ बहुत कांटे होते हैं, बहुत मुश्किलें हैं। हम तो बस अब आदत हो गई है कांटों में जीने की। ओ भाई साहब, अभी तो इनकी सफाई चट भी करना पड़ेगा। जासूस भाई याद आ गए मुझे, जैसे वो कहते थे जलना पड़े सुल्तान, मेहनत करनी पड़ती है। तो अभिषेक भाई एक बैग लेके आए हैं, देखते हैं इसमें है क्या। तो भाई हथौड़ा लेके आए हैं, मैगी लेके आए हैं, चॉकलेट ले आए, ड्रिंक्स भी है। मैं सारी चीजें सही लाया हूँ, बस एक चीज गलत लाया हूँ, अपना पार्टनर। सही बता रहा हूँ, चले ये नहीं कोई काम कर ले। कितनी लकड़ी तोड़ के लाया हूँ, एक काम दिया था वो तो हुआ नहीं। अरे ये तो मम्मी को मैंने बोला था सामान डालने के लिए, ये क्या डाल रखा है मम्मी ने, दिखाई हो। अच्छा ये सोने के लिए, अच्छा इसका पंप है। वैसे मैंने मम्मी को बोला था कि वो डाल देना स्लीपिंग मैट्रेस, तो उन्होंने स्लीपिंग मैट्रेस ये वाली डाली है, उस पे हवा इससे भर जाएगी, तो जब हमारा घर बनेगा अगर, तो उसको जब हम डेकोरेट करेंगे तो उसमें ये मैट्रेस लगाएंगे। ये क्या और ये तेरा खून करने के लिए लाया हूँ साले। भाई पिछले 2.5 घंटे से लगे हुए, अभी तक सिर्फ इतना इतना खुदा है। बिना चार्ज के बैटरी लेके आया भाई। भाई सब ले आया, बस मैन पावर लाना भूल गया। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। शाबाश, इसको काम करते देख मुझे अलग ही सुकून मिलता है, आई स्वेयर टू गॉड। शाबाश। भाई लिटरली रात होने वाली है और हम अभी गड्ढे पे ही हैं। लकड़ियां हम ला चुके हैं बट लकड़ियां लगानी है, काटनी है, घर बनाना है, भूख लग रही है, कुछ नहीं खाया। मतलब बीच बीच में वो चिप्स चुप्स खाए बट मैगी खाने की लालच, मैगी खाने के लालच नहीं हो रहा तेरे को। घर बना लो पहले, घर बना लो पहले। तो गाइस अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा है ना, जो ये बड़ी लकड़ियां हैं इनको पैना करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इतना तीखा कर दो कि जैसे इसको नीचे मारूं ये गड़ जाए। तो अब मैं ये करूंगा, 2 बड़ी लकड़ियों को करने वाला हूं और 2 छोटी को। तेज, ये देख लो गाइस मोपी की पावर। अरे दम लगा भाई, फाइनली हमारे घर की नींव डल गई है। छोटी वाली काट रहे हैं अब हम, स्पेशली ऐसी लकड़ी काटी गई है भाई ताकि अब इसके बीच में हम एक डंडा फंसा सके और उसके बाद रूफ बन जाएगी। तुम समझो बहुत विजनरी है हम। जल्दी जल्दी करो भाई, बहुत लेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। मुझे अभी भी पता है कि काम बहुत ज्यादा पेंडिंग है, तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ थोड़ा फास्ट हो जाए मेरी जान। अब हमारे को एक लकड़ी चाहिए जो हम यहाँ लगा सके। फिट है, एक काम कर, रस्सी पड़ी अंदर बैग में लेके आ। भाई ये बता रहा हूँ मैं सही में, ये अलग ही एडवेंचर, ऐसे अपने घर से दूर आना, लकड़ियां काटना, गड्ढे खोदना और अपना घर बनाना, सर्वाइव करना, किसी को करने का शौक भी नहीं है भाई। सही में कमेंट सेक्शन में बताना, किसी का मन नहीं करता ये एडवेंचर करना। मतलब अगर तुम्हारे जैसे पास मैं या मोपी हो और तुम्हारे को ऐसे शेल्टर में 24 घंटे सर्वाइव करने का मौका मिले, तुम करोगे नहीं करोगे? कमेंट सेक्शन में एक बार इसकी गलतफहमी दूर कर दो। मेरे साथ करना चाहेंगे ना वो? बस इसको वहाँ लगा दो और इसको ही बांध दें। इसको बांधने की वैसे जरूरत नहीं है, इसको मैंने बोला आप जितनी बड़ी लकड़ियां हैं वो सारी लकड़ियां ले आ ताकि हम इसके ऊपर लगा दें और फ्रेम बनाए ऊपर छत का। क्या बात है, मेरे घर में छत है।
ये मेरा नहीं अपना घर है। हाँ गाइस सो सॉरी, ये हमारा घर है। तो गाइस बेसिकली अब हमारे को लकड़ियां चाहिए इसको कवर करने के लिए, तो उस साइज की लकड़ियां काटनी भी बहुत जरूरी है। अपना लगा हुआ है, मेरी मदद ना कर दे, अपना काम स्वयं करें। ओपन रूफटॉप हाउस हो गया भाई ये तो। अभी ओपन ही लग रहा है बट क्लोज भी हो जाएगा, पूरा ढांचा तैयार हो चुका है। तो गाइस अभी हम बना रहे हैं अपने घर की साइड वाली वॉल। अच्छा yes. तो जल्दी मेहनत कर भाई, जासूस का भाई अप्रूव हो गया। मेहनत जासूस तो है ही नहीं। जासूस तो गया भाई, बट जासूस वी मिस यू, आई लव यू। वायरल है, वायरल है। बस हो गया, इस साइड का तो डन है भाई। घर तो काफी एस्थेटिक है, काफी लकड़ी से बना हुआ है। तो गाइस अगर कोई चाहता है ये घर खरीदना 2BHK रोहतक के जंगलों में 2 करोड़ रुपए ओनली, आर यू इंटरेस्टेड? आर यू इंटरेस्टेड? नो नो, ओह माय गॉड, रिजेक्टेड ऑन फेस। बट ये मेरा घर है भाई, ने इसकी बेइज्जती कर दी कि एस्थेटिक नहीं है, तो अब हम इसको एस्थेटिक बनाएंगे। कैसे? मैं इसकी वॉल पे एकदम घास ढूंढ के लगाने वाला हूँ, तू ये वाली वॉल का तैयार कर। करते हैं कुछ, करते हैं, अच्छा करते हैं कुछ, तो दिखा दे अपना देसी जुगाड़। लेट्स गो स्मार्ट। जंगल में घूमने का ना मजा ही अलग है। वैसे जेन्युइन बताओ, अगर मेरे साथ कैमरा टीम ना हो ना, तो मैं मेरी फट जाए। अकेले जाने में इतना पिच डार्क है कि मतलब सामने से लगता है भूत ही बाहर निकलेगा। वह मोपी अकेला, मेरे को आधे टाइम तो उसके लिए डर लगता है कि भाई वो अकेला बेचारा कर भी पा रहा होगा नहीं काम कर रहा होगा। आओ घास निकाले। मेहनत। तो हाय गाइस, क्रिएटिव मोपी के साथ आपका स्वागत है, एंड आज हम बनाने वाले हैं गेट। इतनी लंबाई ठीक है। तो गाइस काफी लंबा कट लग चुका है, क्या करवा लिया भाई, एंड डॉक्टर अभिषेक आ चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक हर चीज लेके घूमते हैं, अपने जंगल के एक्सपीरियंस से मुझे इतना पता है कि यहाँ पर क्या चीजों की जरूरत पड़ती है क्या नहीं। डॉक्टर अभिषेक। सो गाइस तुम्हें अभी मेरा विजन समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। हमें बस इसे कुछ इस तरीके से बांधना है, फिर इसको इसके नीचे से, फिर एक रोल, फिर इसको इसके ऊपर से, फिर एक रोल। सो गाइस तो हमने इसको एक रोल दिया, जैसे इसको टॉप वाले से बांध दिया, अब नीचे वाले पे अब हम एक और रोल देंगे, एंड फिर उसको इसके नीचे से एक और रोल तीसरी डंडी पे, एंड ये कुछ ऐसे जुड़ जाएंगे चारों से, चार जुड़ गई, उधर से भी जोड़ देंगे एंड बीच से भी जोड़ देंगे, एंड आवर डोर इज रेडी। कैसा है? अब ये तो डन हो गया, बस इस जैसा हमने एक और बनाना है। जस्ट किडिंग गाइस, हमने इस जैसा एक और पहले ही बना लिया है, एंड ये हमारी वॉल है, एंड ये हमारे डोर के लिए। भाई साहब झाड़ियों से पता नहीं कैसी लुक आएगी, बट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मेरी पीठ जवाब दे चुकी है, लोअर बैक बहुत दर्द हो रही है, लोअर बैक कह रही है सो जा बेटा। बेसिकली अब मैं आगे भी लकड़ी से भर रहा हूँ, और सिर्फ मैंने ये 2 लकड़ियां यहाँ लगा दी है गेट के लिए, तो मस्त अपना घर फुल एंट्री वाला हो जाएगा। लो भाई क्या करके आया शेर। टडा, अरे वाह शेर, क्या बात है। तो ये तो है डोर का। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। लो अब एक और है अपने पास, ये वॉल है, ये लगेगी यहाँ। अगर अब आप नोटिस करो तो हमारे घर के यहाँ पर बैम्बू वॉल है, इसका गेट बैम्बू वॉल है, लकड़ियां अलग हैं, ऊपर अभी इसमें घास डालनी पेंडिंग है। किसी की चिता लग रही है। ये ले मूत दिया तेरी सुबह से लेकर रात तक की मेहनत पे, वो वाला सीन हुआ अभी। भगवान उठा ले। पर भाई अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारा घर बहुत ज्यादा सुंदर बन चुका है, और ये सेंट्रली एयर कंडीशन हो चुका है। भाई हो चाहे कुछ हो, अब खाना बना दो। खाना बना दो क्या? हाँ। तो गाइस एक बार मैं आपको एक प्रॉपर शॉट दे देता हूँ हमारे घर का, तुम हमारा घर देख लो, उसके बाद अंदर चलते। सिनेमैटिक शॉट्स इनकमिंग। भाई कॉन्ग्रेट्स तो कर दे यार। कॉन्ग्रेट्स क्या, मैंने बनाया है। मतलब हमने बनाया तो एक दूसरे को थैंक यू तो बोल सकते, शाबाशी तो दे सकते हैं। अभी मैं हाथ बढ़ा के आगे खड़ा, बेशरम है यार इतना। मतलब कोई वो ही नहीं है इसमें, सेंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। बट गाइस अब बारी है हमारे घर की गृह प्रवेश की, और गृह प्रवेश करने के बाद हमारे को घर में बेड लगाना है। चल चले आ जा। ओह माय गॉड बड़े भाई, वाह सेक्सी। तो गाइस फाइनली हम करने वाले अनबॉक्सिंग, किसकी? अपने बेड की। यस, ऐसा बेड जो हम शेयर करेंगे। बड़ा अजीब साउंड हो रहा है, बट एक बात बताओ, हमारा घर बड़ा कूल है यार। कूल, क्या हवाएं आ रही है, ओहो हो हो, मजा ही आ रहा है। खुला खुला प्रोग्राम है, खुला प्रोग्राम है एकदम, ऐसा लग रहा है किसी ने चड्डी नहीं पहनी।
क्या जोक है भाई? भाई अपना सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा खराब है। सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ यहाँ नीचे। अरे गड्ढे दिखाई नहीं दे रहा भाई। अबे तू भी तो गड्ढे में अभी। सेंस ऑफ ह्यूमर ऊपर रह गया। अब देखा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा भी हो गया। ओ बेड काफी बड़ा है मेरे लिए तो। भाई क्या भाई क्या एक्शन और क्या एक्सप्रेशन है। मेहनत चल रही है भाई, तुम्हें नहीं पता सुबह से जितनी मेहनत करी है उसके बाद ऐसा लग रहा है हर मेहनत में कि मेरी मैं क्यों कर रहा हूँ। तेरे बारी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पर सोना क्यों है? अरे रेस्ट करना है। हो रहा है भाई, हो रहा है, हो रहा है। कम ऑन, मेरे से नहीं हो रहा भाई अब। ये तो हो रहा है मेरे से नहीं हो रहा। यार तुम इतना हमारे को अप्रिशिएट करो, 1 मिलियन लाइक दे दो। बहुत मेहनत करी है सुबह से। मेरा बहुत शरीर दर्द हो रहा भाई वैसे। बहुत ज्यादा भूख लग रही है मेरे को और मोपी को। बट मोपी जो है वो है हमारा एक नंबर मास्टर शेफ, तो आज वो आपको मैगी बनाना सिखाएगा भी और मुझे खिलाएगा भी। जा भाई प्लीज बना ले। इन्हें मक्खन लगा के मेरी मार ली भाई। पर ये बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, सच बता रहा हूँ मैं। ये मोपी नहीं, मोपी नहीं, ये घर बहुत अच्छा है। मैगी खानी है? नहीं खानी। खानी है। तो कौन अच्छा? तू तो बेस्ट है, क्यूटी है। गाइस अब बनाएंगे हम मैगी। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई कर रहा है आराम, हम कर रहे हैं काम। तो फटाफट से मैंने कुछ जुगाड़ तो बनाया है यहाँ पर, लकड़ी और ये मिट्टी विट्टी के पत्थर लगा के। अब बस मुझे इसमें माचिस लगानी है एंड होप सो एक बारी में आग जल जाए। जलगी 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 जलगी, आग तो जल गई है। बस अब इसमें पानी डाल के ऐसी मैगी खिलाऊंगा ना आज, याद रखेगा भाई भी। तुम क्या प्रेफर करते हो, मसाला पहले डालना है या फिर मैगी? मसाला वैसे मैं मसाला प्रेफर करता हूँ, लेकिन अभी पहले ही डल गया यार। इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा वैसे गैस से, तो ये मैगी कम दलिया बनता दिख रहा है मेरे को तो। पानी कुछ ज़्यादा ही डाल दिया इसमें। तो भाई उबाल आ गया और अभी पक गई है, बस थोड़ा सा पानी सूख जाए तो। भाई खाना खाए? प्लेट में तो डाल, हाथ में देगा क्या मैगी? नहीं नहीं डाल दे यार, इतने ड्रामे नहीं सही जाएंगे भाई। अरे दे दे यार, शादी थोड़ी ना हो रखी है, कर लेते हैं। नहीं करनी भाई। मुझे लड़की से करनी है। प्लेट काफी बड़ी है, बड़ी है हमारे पास। ओके गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, मैं टेस्ट करके बताने वाला हूँ कैसी बनी है। बड़ा अजीब सा टेस्ट है इसमें। है स्पेशल मसाला ही डाला मैंने अपना। जलने जलने सा टेस्ट है। तो चूल्हे पे बनाइए, थोड़ा अलग तो होगा। चूल्हे पे बनने में टेस्ट अलग है भाई। इस मैगी को मैं 2 मार्क्स दूंगा 10 में। भाई को 56 भोग चाहिए यहाँ पे। हम खा रहे मैगी, एंजॉय कर रहे हैं अपना घर, और हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक हमारी मम्मी हमारे को कॉल करके ना बुला ले, क्योंकि 24 आवर्स चैलेंज नहीं है ये सिर्फ एंजॉय करने वाला चैलेंज है। बाकी आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये घर कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1 मिलियन लाइक्स कर दो। और हाँ 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 गाइस गाइस गाइस, जाने से पहले ये तो जान लो कि मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन है, मेड सेफ सर्टिफाइड, इट कंटेन्स नो टॉक्सिन्स और हार्मफुल केमिकल्स। यूज करो माय कूपन कोड फुकरे 2024 टू अवेल 20% ऑफ ऑन मामा अर्थ प्रोडक्ट्स ऑन वेबसाइट एंड ऐप। चेक करो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चूल्हे की स्मेल है वो जलने वाली।